जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। ट्रैक्टर परेड में हंगामे के बाद लाल किले में भारी सुरक्षा बल तैनात। बागपत में 40 दिन से चल रहे आंदोलन को पुलिस ने लाठी चार्ज कर हटाया। किसानों के टेंट भी उखाड़े, जिसमें कई किसानों को चोटें भी आई। किसान आंदोलन में दोफाड़ को लेकर बोले राकेश टिकैत, बीएम सिंह को अपनी प्रॉपर्टी सीज होने का डर, इसलिए आंदोलन से हटे। दिल्ली हंगामे में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात करेंगे शाह, आज जाएंगे ट्रॉमा सेंटर। लाल किले पर हंगामे के दौरान हुए थे घायल। यूपी पंचायत चुनाव के सारे मिशन 2022 फतेह की तैयारियों में जुटी बीजेपी। आज से मंडल स्थल पर बैठकों का दौर। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आने वाले दिनों में करेंगे बैठक। सौरभ गांगुली को फिर दिल की दिक्कत, आज डाला जाएगा एक और स्टैंड। पहले दौरा पड़ने के बाद सौरभ गांगुली की गई थी एंजियोप्लास्टी। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन आज। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बंगाल में आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग, दोनों पार्टियां अकेले करेंगी मुकाबला। इस साल होना है बंगाल में चुनाव। भारत द्वारा भेजी वैक्सीन से नेपाल में हुआ टीकाकरण शुरू। केपी ओली बोले सबको मुफ्त लगाया जाएगा टीका। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, लौटी शीतलहर। ठंड से कांप रहा पूरा उत्तर भारत, कई इलाकों में हो सकती है बारिश। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखते रहिए जनता समाचार। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।